नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेयर्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है। दोस्तों याद रहे, बोनस शेयर आपके नंबर ऑफ शेयर्स को काफी मल्टीप्लाई कर देता है, जो आपके शेयर को कंपाउंडिंग करने में मदद करता है। अगर कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो आपका जो रिटर्न होता है वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब आपका जो अमाउंट होता है उस पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में। साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर्स भी कंपाउंड होते हैं, तो दोनों तरफ से फायदा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जब वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं किस शेयर को और उन्हें बोनस शेयर रेगुलर इंटरवल पर मिलता है। तो इसमें एक माइक्रो कंपनी है, माइक्रो कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, लेकिन दोस्तों याद रहे माइक्रो कैप कंपनी मतलब जो अपने बिजनेस में अभी उतना ग्रो नहीं कर पाई है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल काफी अधिक होता है। लेकिन कोई भी पैंडेमिक आ जाए, कोई भी क्राइसिस आ जाए कंपनी उसे फेस करना हो, तो फिर ऐसी कंपनियां सर्वाइव करने में काफी दिक्कत फेस करती है। तो इसलिए माइक्रो कैप कंपनी में ग्रोथ तो काफी होता है, लेकिन कंपनी के किसी भी क्राइसिस में सर्वाइव करने का जो पोटेंशियल होता है वो काफी कम होता है इस कंपनी में। तो ये कंपनी है नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देख लीजिए, मार्केट कैप मात्र 25 करोड़ का है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। करंट प्राइस जो है 37 रुपीज है। इस स्टॉक में दिक्कत यह है कि ट्रेडिंग काफी कम होता है, तो आपको कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड होते दिखेंगे वो भी काफी कम दिखेंगे। तो यही होता है माइक्रो कैप कंपनी में, लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं, तो ट्रेड होने वाले नंबर ऑफ शेयर्स काफी कम होते हैं। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 73.7% है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी अधिक है कंपनी में। कंपनी के डेट की बात करें तो 21 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जबकि मात्र 25 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और वहीं कंपनी के पास रिजर्व भी है 7 करोड़ का। कंपनी को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, तो यही कंपनी का एक डिफेक्ट है, कंपनी के ऊपर डेट है और कंपनी जो है रिजर्व भी उतना खास नहीं रखी है। और कंपनी के स्टॉक का पी की बात करें तो 845 का पी है, काफ़ी महंगे पी पे कंपनी मिल रहा है। अगर इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मात्र यहाँ पर देखते हैं अर्निंग पर शेयर 4 पैसे का है, तो काफ़ी मतलब कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कंपनी के अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सेल्स देख लीजिए, 2017 में था 23 करोड़ का, 18 में हो गया 48, 2019 में 51, फिर से यहाँ पर 2020 के फाइनेंशियल में घट करके हो गया 25 करोड़ का सेल्स। और कंपनी का प्रॉफिट 73 लाख का 2017 में, 1,41,00,000 का 18 में, 19 में 97 लाख का, और 2020 में हो गया 11 लाख का प्रॉफिट। तो 2020 में काफ़ी सेल्स और प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कंपनी का अगर बात करें रिजर्व का, तो कंपनी का रिजर्व जो है 7 करोड़ का हो चुका है, तो कंपनी इसे रिजर्व को यूज करना चाहती है, जिसके बदले वो अपने शेयर होल्डर को बोनस इश्यू कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स का आपने देख लिया कि 73.67% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग 26% है। तो पब्लिक होल्डिंग में भी कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी अच्छा स्टेक रखते हैं इस कंपनी में, तो आप भी चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी जहाँ बोनस दे रही है, बोनस का रेशियो आप देख लीजिए, तो कंपनी का बोनस का रेशियो है 5:8, और इसका जो एक्स बोनस डेट है 25 फरवरी है, मतलब अगर आप 24 फरवरी तक इसको बाय कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है, 22-23 दो दिन आप बाय कर सकते हैं अगर आप इसमें बोनस शेयर के लिए बाय करते हैं। लेकिन हमारा हमेशा रिकमेंडेशन होता है आप बोनस शेयर के लिए कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। अगर यहां से कंपनी में ग्रोथ आपको दिख रहा है तो जरूर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी में यहां से आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कभी ना सोचें। तो ये हमारा रिकमेंडेशन होगा, अगर आप चाहते हैं बोनस के लिए इसमें जाना तो बिल्कुल नहीं जाएं, हमारा रिकमेंडेशन यही होता है। कंपनी के ग्रोथ के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो भी काफ़ी कम ट्रेड होता है, तो आपको मिलने की संभावना भी काफ़ी कम है। अगर मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है उस पर लगातार नज़र रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट और सेल्स अगर इंक्रीज नहीं होता है तो कंपनी आपको ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी। वही कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना हो तो nakoda.com यहाँ पर आपको आना है, तो यहाँ पर आप कंपनी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिएगा, तो जैसे आप प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट इसके दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके जो बेकरी का है और जो जेम्स होता है, फ्रूट्स होता है,
और यहाँ पर देख लीजिए स्पाइसी हो गया, कैंडीज हो गया, राइस हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट है। मेन फ्रूट और फ्रूट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जेम्स हो गया, सॉस हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट इस कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसे एक्सपोर्ट करती है। तो काफ़ी अच्छी बिजनेस ग्रोथ है, मतलब बिजनेस में पोटेंशियल काफ़ी है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो अच्छा खासा आपको यहाँ से कंपनी में रिटर्न मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।